मेरा खेत मुझे वापस दे दो, मेरी जमीन मुझे वापस दे दो, छोड़ दो मुझे, मेरा खेत मुझे वापस दे दो, मेरी जमीन मुझे वापस दे दो, मेरा खेत, मेरी जमीन। सवेरे से तीन बार मार खा चुके हो, अभी तक दिमाग में कुछ नहीं आया? अरे उन्होंने खेत वापस देने होते तो पहले छीनते ही क्यों? अरे ऐसे कैसे छीन लेंगे, पकड़ो कड़कड़ को, हम जाके बात करते सालों से। अरे रुक जा कृष्णा, रुक जा, मत जा। अरे वो लोग बड़े जालिम हैं, तुझे मार डालेंगे बेटा, बाद में जो चाहे करना, जब सब लोग आ जाएं। कहाँ गए सब लोग? ये जमीनें तुम लोगों की हैं, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत किस बात का सरकार? अरे हम लोग बाप दादा के जमाने से खेती करते चले आ रहे हैं, ये सब गवाह हैं। हाँ सरकार। अरे मुखिया जी, जब आपके पास इतने सारे गवाह हैं तो परेशानी किस बात की? आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग शहर चले जाइए, वहां पर मेरा एक वकील दोस्त है, उसके नाम मैं आपको एक चिट्ठी लिख देता हूं, वो आपका केस कोर्ट में दाखिल कर देगा। और मुखिया जी, अगर कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाइएगा। अच्छा जी, अब आप सब जाइए। कैसी सरकार की इच्छा, कैसी सरकार की इच्छा। चला चला, अरे चलो भाई। हां फैसला सुना दिया। अरे उठा, सरकार ने इंसाफ कर दिया। तुम्हें कुछ पूछना है? सरकार, ये सब लोग साल भर काम करते हैं तो 6 महीने का अनाज जुटता है, अगर काम काज छोड़ के कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर में पड़ेंगे तो वो भी छूट जाएगा सरकार, ये लोग भूखे मर जाएंगे। तुम्हारी कितनी जमीन चली गई? अपने बाप दादा की जमीन तो बहुत पहले ही चली गई, गांव के महाजन के पास। देखो भाइयों, तुम लोगों की परेशानियां दूर करना हम अफसरों का कर्तव्य है, पहले केस करो फिर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तुम लोगों को धीरज से काम लेना होगा। अरे धीरज से कुछ नहीं होता सरकार, धीरज से ना रोटी पकती है और ना ही उन बंदूकधारी संतरी को हटाया जा सकता है। हमें धीरज विरज नहीं, हमें हमारी जमीन चाहिए। देखो, गर्मी दिखाने से बात बिगड़ सकती है, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो इंतजार करना पड़ेगा। भूख बहुत देर तक इंतजार नहीं करती मालिक, एक बार उस सहन सीमा से बाहर निकल जाए फिर कोई सीमा नहीं देखती। आप उन्हें हमारी जमीन से हट जाने का हुक्म दीजिए मालिक। देखो, ऐसा हुक्म देना मेरे अधिकार में नहीं है। ठीक है, फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे अधिकार में है। ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा।